बहुत सारे इलाजा मौली साहबा स्वामिया महाराजा सबको दिखाए होंगे। कितने साल दिखाए? तकरीबन तीन साल से कर रहे। तीन साल से घूम रही और तुम दिखाए सो किसका ने हाजिर होके सवाल करा क्या? नहीं करे। एक दो जगह ये जो पेशेंट है ये तुम्हारे सामने की दास्तान है। इन्होंने बहुत सारे जगह लेकर गए, पहले बहुत सारे तकलीफे थे उसको, वो बीमारी की शक्ल थी। अब सामने किसी के हाजिर नहीं हुआ या हुआ जो भी है वो तुम उनसे पूछो। सामने से तुम्हारे यहाँ आने के बाद फर्क हुआ क्या? जोर से बोलो। हमने बहुत फर्क हुआ है। उसके अव्वल तो कई जगह फिरे लेकिन फायदा नहीं हुआ। जो फायदा हुआ एक महीना हुआ है, एक महीना तीन महीने रहती, बाद में फिर नॉर्मल जैसा वैसा वैसा सब जगह लेकर। तीन महीने भी खाने खाती सन हमें। अच्छा, असल तो हमें समझे कि इसका प्रॉब्लम काट जाओ घोसे को ठीक होता है, लेकिन इसका छंडन माने काफी ठीक नहीं हो रहा है। पहले दवा गोलियां करे क्या? दवा खाने पहले दवा गोलियां बोल के दो साल फिरे बोला ना। अच्छा, दो साल फिरे है। दो साल में बहुत खर्चा हो गए, बहुत खर्चा भी करता ले है बहुत। मैं बाद में असल यहाँ आने का इरादा कितने साल से बन रहा था? यहाँ आने का इरादा चार साल से बन रहा था, तीन साल से बन रहा था। लेकिन क्या कहते हो, हर अम्मी ना को और इना के शोहर को मैं बोलते समझाते रहे व्हाट्सएप में। वो जगह में ये मालूम है कि हॉस्पिटल में बोला ना दशहर का स्कैनिंग करके भी क्या भी नहीं है कहते सो। जो भी कहा भी जाओ असल क्या भी नहीं है, क्या भी नहीं है कहते सो। लेकिन इसका तकलीफ मैंने ऐसा रहने का महल्ले में बढ़िया दिसो, लोबी व्यवहार बढ़िया दिसो, इंसारी लिया देसो, सिलन मोटर चढ़ा देसो, खाना नहीं खा दिसो, सिलन मोटर दी दिसो। इनका बोलना है कि ये चार साल से ट्राई कर रही थी यहाँ आने के लिए मगर उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वो जो बलाए रहते वो इधर के रास्ते को ध्यान देते, वो जहाँ डूबने वाले रहते वहाँ ली जाते वो डुप्लीकेटों के पास में। हाँ, यहाँ चार साल से मेहनत करते है, चार साल में बोलते रहे, लेकिन ये महाराष्ट्र हमारा आंध्रा ना दूरी बोल के थोड़े ये सुस्ते रहे। जब दूरी दूरी बोल के वसवसे डाल रहा था उनके दिमाग में, इधर नहीं आने दे रहा था। इन्हों है आंध्रा के, वो है महाराष्ट्र में, कहाँ जाते कहाँ ढूंढेंगे जानते बोल के वसवसे डाल के उनको आने नहीं दे रहा था, गेम कर रहा था, रुकावट डाल रहा था। बट यहाँ आने के बाद में हाजा मिन फजल रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह, कितना उनको कुरान से अल्लाह के कलाम से फैज मिला, वो तुम सब सुन सकते सामने से तुम्हारे। कितने परसेंट फर्क हुआ? पहला महीना तो 100 में 70% कम हो गया है। असल नॉर्मल औरत का कहना ठगी है ऐसा। क्या कहते तो जरा दूसरे महीना क्या कहते तो जरा वो निकल जैसा वक्त कहने से जरा ज्याद कर दी है बहुत है। चिरागी रखी नहीं, क्या भी करी नहीं, इजलास का काम। और दूसरी बात के तुम्हारे कौन से आए थे तुम? हमें आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से आए। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। दूसरे बहुत सारे इलाजा मौली साहबा स्वामिया महाराजा सबको दिखाए होंगे। कितने साल दिखाए? तकरीबन तीन साल से फिर। तीन साल से घूम रही और तुम दिखाए सो किसका ने हाजिर होके सवाल करा क्या? नहीं करे। एक दो जगह कराए। वो तेलुगु हिंदू शिरिक का अवल को चले जान जाता है ना, क्या करेंगे शिरिक। अभी मदरसे में बड़ी सब अच्छी है, जाती नहीं अवल को एक रुका ही। लेकिन हमें देख सकना को आजू बाजू वाले बोले है वो दलिंगा हो अच्छा करता अम्मा। तुम्हारा जिन जाने के बाद में वहाँ हाजिर हुआ क्या? हाजिर हुआ तो सवाल करा क्या? कौन दादे सो नाम निकला क्या? नहीं 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 नहीं, ये हा? बोले है नहीं, नहीं। खाली उन्हें बोला कि आंग में है इसके बोलकर, आंग में है बोलकर बोले है। यही भी थोड़ा गड़बड़ करती है, राता माला लौट रही थी, लौट रही थी और नहीं बोले थी। एक मुर्गी है, एक चाकपीस से घीचते ना गुड़ी घीच के, मुर्गी है, अंडा है, ये छह महीने के तले आप है, दाटे है, वो एक क्या क्या बोले का एक जगह है नहीं, वो बोले अबे जगह है नहीं क्या की बोले है काफी शैतान मगरा बोले पास आए पास वाला ना ये बोलती मगर इसका जबान से यही बोली है। असल क्या यार कौन डाले जादू बहुबल के इसका मुँह से पूछा नाम खुला, नाम खुला से पहली बार आप करने से दूसरे जगह काफी फिरे लेकिन इसके हाथ बुलाए नहीं, वो क्या क्या की बोलते आए। अब इसका जबान से खुद यही बोली है क्या चला है मसला बनेगा। फौरन छंडन कम होगी, रोटी कम होगी, फर्स्ट मेरे बच्चे तक खाना खाए, पहले खाना भी नहीं खाती थी उसके, देखो हमें भी भूखे रहते सो माला ना खाना खाते सो। उन्होंने यहाँ आए तो अल्लाह करम से फायदा हुआ, कितने परसेंट फायदा हुआ सुन लो। उनकी लैंग्वेज तुम आपको समझेंगे नहीं बोल के, मैं थोड़ा गौर से सुनो उनकी लैंग्वेज को, वॉइस बढ़ा के तो समझ पाएंगे, नहीं समझ में तो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ।
वो बच्ची को खाना नहीं खाया जाता था, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफों में परेशानियों में मुब्तला थी। कई साल इलाजा वालों के पास उन्होंने लेकर फिरे और उनका ऐसा कहना था, बहुत सारे स्वामियों का ने महाराजों का ने भी लेके गए, बट वो बच्ची आलेमा है मगर अब क्या करेंगे, मजबूरी में जा गई। तो जाने के बाद खाली वहां ऐसा घूम रहा था, वो हाजिर हुआ नहीं, सवाल करा नहीं। शैतान किसी से डरते नहीं कि इसके पास हाजिर होते नहीं, क्योंकि सब के पास अगर हाजिर हो जाएंगे तो शैतान और जिन्नात का मतलब ही क्या रहेगा, फिर उनकी ताकत का मतलब क्या रहेगा, उनको बहुत ताकत दिया है अल्लाह ने, और वो अल्लाह वालों के सामने झुकते। और दूसरी बात, यहाँ आने के बाद में अल्लाह के फजल करम से हाजा मिन फजल रब्बी कलाम इलाही का फजल अल्लाह के करम से फैज है, और जो भी राहत मिली उनको तुम्हारे सामने की बात है, और ये कलाम इलाही से फैज मिला, अल्लाह ने भेजा तुम्हारे वास्ते किताब रहमतुल्लाह आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाकर भेजा, और सारे आलम के लिए कुरान पाक जो है तो तुमको दुनिया आखिरत सवार देने के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा नायाब तोहफा दिए वाला है। तुम पढ़ो, सुनो, उसका फैज हासिल करो, नहीं सुनिए तो किसका क्या देंगे, जुजदानों में महराबों में कि लपट के कपड़ों में रखने के वास्ते नहीं दिया अल्लाह ने, पढ़ के उसका फैज हासिल करने को दिया अल्लाह। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई इसको पढ़ सकता सुन सकता, पढ़ो और सुनो सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह जिन, सूरह रहमान, सूरह वाकिया, बहुत सारे सूरत है जो तुमको सुनना है सुनो, सबका फैज मिलेगा। और ऐसी बात है कि क्या पता अल्लाह तुमको दीन दुनिया की दौलत से भी नवाज देगा तू सुनने की बरकत से, इसलिए सुनो सब लोग और इबादत करो। और दूसरी बात देखो, तुम्हारे सामने लाइव में पूछा दिया मैंने, लाइव का इंटरव्यू है जो भी है, तुम देख लो कितना फर्क हुआ क्या हुआ, अब उनके जो वीडियो के लास्ट में ये वीडियो को जोड़ देंगे टुकड़े को, ठीक है। अरे क्या कहते हो, यहाँ निकलने का इरादा हुआ ना, बहुत कोशिश हुई है रुकने के, एक है नहीं और अब्बा का नहीं, और अब्बा का भी बताने का, क्या कहते हैं एक है नहीं, असल आई नहीं सका, कितने रुकावट आए हैं पहले दिने कितने रुकावट आए थे, क्या निकल का आने लगे, आते इसको भी कवाया, इतना पैसा डाल के इतना दूर आते है, होता क्या नहीं क्या है, बैठे इसको भी कवाया, होता क्या नहीं क्या, बाद में उस दिन हुआ, दूसरे टाइम में क्या भी हुआ नहीं बिल्कुल, आज का दिन तीसरा, हमें तीसरा ट्रिप आती है ना, इसमें वहां ने यही बोली है, हमें सूझे नहीं लेकिन क्या की बहुत स्थिति है, ये बार क्या की हुए सका है, और यही बोली है तो उसी के उनको रस्ते में वसवसे डाल रहा था, उन्होंने बोल रहे, और वसवसे क्या डाल रहा था कि चलो ऐसा कहीं इलाज होता क्या, अब इतने जगह लेके फिर यहाँ इलाज होगा क्या, और दूसरी बात फैज मिलेगा क्या, ऐसा उनको वरगला रहा था, और वरगला के उनके दिमाग में वसवसे डाल के उनसे भगाने को कर रहा था। तो बाद में उन फिर भी हिम्मत जुटा के अंदर आए, अंदर आने के बाद उनका जो भी है ट्रीटमेंट मेरे सामने आया, मैंने फिर लाइव में तुम्हारे सबको बता दिया और पूछा दिया क्या क्या मामले कैसे, यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ खुलासा नहीं होगा तो कहाँ खुलासा होगा, वो मैं नींबू काटने वाले किस्म में का थोड़ी हूँ जो नींबू काट दे रहे अनिलाज कर दे रहे, यहाँ सामने पूछाता हूँ लाके, तुम्हारी जबानी तुम बयान करते, मेरा क्या है, मेरा काम है पढ़ना और पढ़ के तुम्हारा बताना, वो कलाम इलाही का फैज कैसा जारी होता, आज भी आले रसूल औलाद अली के दरों से अल्लाह कैसा काम लेता, देखो लोगो हर दौर में वो आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला से वही काम लिया खिदमत खल्क का, और खयामत तक भी वही काम लेगा, और इमाम महदी भी आएंगे तो उनके जहूर का भी वाकया तुमको पता है, वो भी सादात है और उनसे भी वही काम लेगा कयामत तक, यानी कि एंड दुनिया का जहां तक होगा वहां तक सादा तो सैयदों से ही काम लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा मालूम तुमको, जात जाति जात पे, दराती जाति घास पे, बुलेट लाइन, ये खून ऐसा है ये बिकता नहीं, ये फितने फसादों में जाता नहीं, इसका नाम कोई और रख के वैसे गेम करते, जो फितने डालने वाले होते ना ये उर्दू नसारा के दल्ले दलाल जो उन्होंने पैदा करके छोड़ देते होंगे नाजायज औलाद, वो उलमा बन के बड़े बड़े मुफ्तिया खारिया बन के झूठे नाम के आगे सादात नाम लगा के सैयद लगा के फतिन फितने डालते, बाकी सैयद वहां कैसे रहते मालूम ना, करबला के अंदर पूरा घराना लुटा दिए मगर उस जालिम के हाथ पे बैद नहीं करे, दीन के अंदर तिल बराबर भी बिगाड़ पैदा नहीं होने दिए मगर अपना पूरा घराना बाल बच्चे सब कुर्बान कर दिए, बताओ इतना बड़ा जिगर है तुम्हारा, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों के कलेजे चीर दिए तो उससे पहले तुम हड़ा के मर जाएंगे, तो वो देखो उनके सामने सबको शहीद कर दिया गया करबला के अंदर, तो भी उन्होंने उफ करके नहीं बोले, बोले कि अल्लाह तू इसमें राजी था, बीस में राजी, वो थे खुदा का शेर और वो है खुदा के शेर के बच्चे, असदुल्लाह कैद अली से अली असदुल्लाह, ये अल्लाह का शेर है, और शेर को तो शेर के बच्चे पैदा होंगे ना, गिद्दड़ के तोड़ी होंगे, कुत्ते को कुत्ते की नस्ल ही पैदा होंगी, शेर को शेर की नस्ल पैदा होंगी, जब अल्लाह ने शेर का खिताब दे दिया बात ही खत्म होगी। और दूसरी बात, इसलिए दीन का काम लेगा
कि वो नस्ल है, वो जात है, उसको सब मालूम है ना, उसने पैदा किया ना इंसान को, इंसान की नस नस से वाकिफ है। तो सैयदों को उन्होंने किस अंदाज में पैदा किया, वो बोलते ना वो ताजमहल बनाने वाला बोलता कि देखो मेरी ताजमहल की कारागरी मैंने कितनी अच्छी बनाया, कोई बनाने वाला बोलता देखो मैंने डब्बा कितना अच्छा बनाया, तो वैसा अल्लाह बोलता देखना है मेरी कारागरी, देखना है खुदा की, तो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखो कैसी खुदा की कारागरी, कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनकी आल से काम लिया ना कयामत तक, वो आल जो रहती वो ना भटकती ना झुकती और ना क्या बोलते तो जालिमों का वो करती अतात, ना जालिमों से हाथ मिलाती, बरोबर जालिमों को हलाक करके चैन लेते, क्योंकि सादात है वो तो अशरफियों में और सिक्कों में और हीरे जवरातों में तोल नहीं सकते तुम सादातों को, वो अनमोल खून है उनके अंदर, वो खून उनका नस्ल है, वो बोल के तो फिर अदब करते ना उनका जिन्नात और शैतान तक करते रहे, तुम्हारे फितनों में घेर दिए यहूद नसारा ने, अदब करने नहीं लगा रहे और तुम्हारी जिंदगी आखिरत सब खराब हो जा रही उस वजह से, सादात का अदब नहीं करेंगे तो फिर तुम तो भुट्टा का सब भुन जाता अंधार में, तुम्हारी तकदीर भुन जाएंगे ना भाई। और दूसरी एक बात सबसे अहम कि तुम लोग बोलेंगे कि नहीं हम भी तो भारी है, हमारा भी अतात करो करो, हाँ देखो ना जात जाति जात पे दराती जाती घास पे जाओ तुम, देखो तुम ठहर सकते क्या दीन के मामले में, उतनी इबादत कर सकते क्या, उनके जो खून के अंदर है इबादत करने का बुलेट लाइन उतनी देर तुम बैठ सकते, तुम दो घंटे बैठे तो तुम दो घंटे में एक घंटा बैठे तो दस जगह टेढ़े होकर सर घर को भाग के जाके दस चक्कर मार के चाय होकर घुटा पी के आते, तुमको लता लगा लेते पूरे पूरे, वो सादात के खून की बात आती ही नहीं, वो बहुत बहुत मैं बयान कर दिया ना कि ऐसा अल्लाह ने बनाया तराश के कि मैं बयान ही नहीं कर सकता तारीफ सादात की सैयदों की, डुप्लीकेटा बहुत भर के बैठे आने वो डुप्लीकेट भी छुपते नहीं, ओरिजिनल क्या बोलते तो ओरिजिनल को तुम छुपा नहीं सकते, ओरिजिनल को अल्लाह ने फरमाया खुद मैं हिफाजत करूंगा और सामने लगूंगा उनसे काम लूंगा, दीन का काम लूंगा, दीन का काम सैयदों से लेता अल्लाह, ओरिजिनल तबलीग कराने का और ओरिजिनल दीन का काम, क्योंकि मालूम है दूसरा किसी को भी दे देंगे तो वो यजीद बन जा सकता गद्दी देने के बाद, वो मस्जिद में बैठ के शराब पी सकता, फितने फसाद मचा सकता, वो मस्जिदों में रक्का सांप को नचा सकता, क्योंकि उसका खून ही जो है ना शैतान के खून के साथ नुतफे के साथ मिलके पैदा हुआ है ना इंसान बहुत सारे, तो वो खून सादात पाक अल्लाह ने बना ला खून है, वो कभी नहीं बिक सकते, कभी गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकते, कभी जंग के मैदान में हार मान नहीं सकते जालिम के सामने। देखो करबला का वाकया पढ़ो कि शहीद हो गए और शहीद कर दिए, हार कर भी जीत गए, खुदा की कुदरत, वो यजीद क्या करा जीत कर भी हार गया ना क्या कर सका, क्या हुआ उसका फायदा, खयामत तक उसको मलून ही बोलने वाले लोग, चलो तुम अगर उसको यजीद को मानते तो बोल दो खयामत के अंदर, अल्लाह से दुआ कर लो कि तुम यजीद को मानते तो अल्लाह तुम्हारा फैसला यजीद के साथ करे, हम इमाम हुसैन को मानते अल्लाह हमारा फैसला इमाम हुसैन के साथ करे, देख लेंगे फिर कौन हक पे, तुम्हारी रूह कांप जाएंगे अंदर से, तुमको भी मालूम है सच्ची कि तुम यजीद के साथ जाके शफात की उम्मीद नहीं कर सकते ना, हम इमाम हुसैन के साथ जाके भी शफात की उम्मीद कर सकते, क्योंकि शहादत को बुजुर्गी का जाम बख्शे आपने, दुनिया बनी जब से लेके अभी तक हाबिल और काबिल में लड़ाई हुई और एक शहीद होगा तो खयामत वहां से तो आज तक जितने शहीद हुए शहादत को बुजुर्गी का ताज नहीं पिनाया था अल्लाह ने, बोलता भी तेरा ताज बरकरार है तुझे पिनेंगे वक्त आने पर, अभी रुक के रहे, और शहादत को बुजुर्गी का ताज अल्लाह ने करबला के मैदान के अंदर पिनाया करबला के वाक़े के बाद, तो शहादत को भी उन्होंने शान बख्शे और अल्लाह उसकी रसूल में की रजा में बच्चा बच्चा कुर्बान कर गए और हमारे लिए इस्लाम को महफूज कर गए। क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा भाई, तुमको ये सब बातों पे अमल करना पड़ेगा ना, तुमको तुम्हारे बुजुर्गों से दूर करा दे रहे यहूद और नसारा की औलाद बोल के तुम्हारी पूरी कौम पूरे वर्ल्ड के अंदर पीसे जा रही, गेहूं के साथ कीड़े कैसे पीसे जाते, वैसे वो थे तुम्हारे औलिया अल्लाह, वो थे तुम्हारे बुजुर्ग आए दिन जो अल्लाह के सामने हाथ उठाते जंगों के हरती हुई जंग के बाजियों को जीत लिए मुसलमानों ने, कैसे कैसे जीत लिए, लकड़ियां डंडे लेके भी उजारा वालों के साथ में हथियार वालों के साथ में जंग लड़ के फतेह कर लिए, अरे बहुत है क्या बयान करूं मैं, उनका ईमान था और वो ईमान ऐसा ही डगमगाने वाला ईमान नहीं था ना उनका, वो बोल दे रहा यहूदी नसारा का दलाल आ जा रहा उधर से, वो आ जा रहा बड़ा झुब्बे फिब्बे पहन के अपने नाम को लगा दे रहा आगे सादातों का नाम, बाद में बोल रहा कि ऐसा मत मानो ये मत मानो वो शिर्क है ये बिद्दत है वो फितना है ये, भावे तुम ओरिजिनल फितना क्या है वो देखो, ओरिजिनल शिर्क क्या है वो देखो, ओरिजिनल बिद्दत क्या है वो देखो, उससे परहेज करो, तुम अपने बुजुर्गों की राह को छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे ना हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, हदीस जरा तुम पढ़ो, जो पढ़ा रहा उसका मत सुनो, तुम पढ़ो खुद कि क्या बोला,
जिसने मेरी आल के दामन को मजबूती से थाम लिया और नहीं अल्लाह और उसके रसूल के दामन को मजबूती से थाम लिया। अगर उसको हदीस और कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और वो उसके अलावा अगर सादात सैयदों की रस्सी को मजबूती से थाम लिया मेरी आल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो उसकी दुनिया आखिरत बन गई। सादात अल्लाह और उसके रसूल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है वो अल्लाह उसके रसूल से ही ले जाके जोड़ती तुम आपको, और हदीस और कुरान भी अल्लाह उसके रसूल से ले जाके जोड़ती, एक ही बात हो रही ना। तो तुम दोनों में जो मिल रहा उसकी रस्सी को मजबूती से थामो डाला, तो इसको आधी कट करके तुम आपको बताते हैं बड़े, तो इधर से सादातों को कम कर दो हटा दो और इधर इनको वो ये कर दो खाली गुमराह। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मिल सकते क्या, बात कर सकते क्या, हाँ अल्लाह से तुम डायरेक्ट मंग सकते क्या, तुम्हारी जबान है क्या मंगने वाली, फितने करने वाली जबान, चुगली में उठने वाली जबान, गालियां देने वाली जबान, हक मारने वाली जबान, कैसा फिर दुआ कबूल होंगी तुम्हारी। तो बुजुर्ग थे वो औलिया अल्लाह थे जिनके सदके तुफेल में उनकी इबादत इतने करते वो, इतने नेक बखत रहते वो, तो उनके सदके में अल्लाह तुमको नमाज देता, उनके सदके में जंगों के अंदर फतेह दे देता हर मामले। बाकी मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ बातें कि तुम नहीं ना मांगे सीख दर दर मांगे भीख, मैं तुमको नहीं बोलूंगा तो कौन बोलूंगा। और मैं बार बार एक ही बात बोलता, खुद पढ़ो खुद सीखो हदीस कुरान, और जहां तुमको कोई हदीस कोई चीज समझ रही नहीं तो बड़े आलिम मुफ्ती खारी हाफिज से पूछो और उनका भी अदब करो, क्योंकि हाफिज खारी मुफ्ती आलिम बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो भी अपने बीवी बच्चे माँ बाप बहन भैया छोड़ के दारुल उलूम के अंदर बहुत मेहनत करके बनते, अच्छा दो दिन में कोई हाफिज मुफ्ती खारी नहीं बनता, इसलिए उनका अदब किया करो लोगों, उनको भी देखे तो। और औलिया औलिया अल्लाह तो फिर तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है, वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता उनकी शान, क्योंकि अल्लाह ने जो उनकी शान में बयान कर दिया ना, जो बुग्ज रखेंगे बोला तो उनमें से दुश्मनी कर दिया बोला ना, फिर अल्लाह ने जंग का ऐलान करता हूँ तैयार हो जाओ अल्लाह को फरमाता। बहुत बात है कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए तुमको सिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी सलाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मैं जो प्रैक्टिकल में वही देखकर तुम्हारी सलाह कराता हूँ, मैं सबको बेबुनियाद हवाई महिला फजूल के बातें ये नहीं सिखाता, और ये सब बातों का मैं विरोध करता और ना ही मैं तुम्हारे को क्या बोलते तो वैसे फितने फसाद की राह पर जाना तो बिल्कुल नहीं सिखाता, रुका देता हूँ वहां से, रुक जाओ अहदिन सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलो। और जहां तुमको नहीं समझ रहा कंफ्यूज हो रहे आलिम हाफिज मुफ्ती खारी की बात नहीं समझ रही तो वहां औलिया अल्लाह के दरों पे जाके पूछते, जहां सब मुफ्ती खारियों का भी दिमाग काम नहीं करता वहां से वलियों का दर खुलता, वहां भी तुमको नहीं समझ रहा तो तुम हमने जाना दिल नहीं बोल रहा तो तुम अल्लाह से पूछ लो ना इस्तखारा करके डायरेक्ट, क्या सही है क्या गलत है बता देता हूँ तुमको, क्यों नहीं बताएगा उन्हें हर चीज बताता, तुम पूछो तो सही, जाओ तो सही, मांगो तो सही, जानिमास बैठो तो सही। बहुत बातें अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।